11 अगस्त को रिलीज हुई दो बड़ी फिल्में जिसके अंदर थी लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन। दोनों ही फिल्मों की अगर बात करें तो लाल सिंह चड्ढा से आमिर खान को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। लाल सिंह चड्ढा जिसमें आमिर खान, करीना कपूर खान नजर आए, ये फिल्म फॉरेस्ट गम नाम की एक हॉलीवुड फिल्म जिसके अंदर टॉम हैंक्स ने एक्टिंग की थी, इसके अंदर आमिर खान इसको रिप्रेजेंट करते हुए आए, इस रीमेक को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आए। बहरहाल बात करें इस रीमेक की, तो इस रीमेक के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी बड़ी बड़ी कमियां रह गई जिस वजह से ये फिल्म लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं हो पाई। और कमाई की अगर बात करें तो महज 35 करोड़ के आसपास इसकी कमाई सिमटती दिख रही है। रिलीज हुई और इसको लॉन्ग वीकेंड भी मिला लेकिन कमाई नहीं हो पाई। 11, 12, 13, 14 और 15 अगस्त तक लगातार छुट्टियां मिलने के बावजूद आमिर खान की इस फिल्म ने सभी को नुकसान दिया, चाहे वो जनता हो एंटरटेनमेंट के मामले में या फिर इस फिल्म से जुड़े प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स। आमिर खान ने एक बड़ा कदम उठाया अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। दरअसल आमिर खान ये बात जानते हैं कि कई लोग उनकी 4 साल की इस मेहनत से दिवालिया हुए हैं, तो वहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो पैसा लौटाने की बात कर रहे हैं। जहाँ दोस्तों बॉलीवुड के गलियारों में ये खबर है कि आमिर खान डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनका पैसा लौटाएंगे और जल्द से जल्द उनका पैसा उन्हें वापस कर दिया जाएगा। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसके ऊपर पक्की मोहर नहीं लगाई गई। तो क्या वाकई में आमिर खान को अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसा लौटा देना चाहिए? आपकी क्या राय है कॉमेंट के जरिए हमें जरूर बता दें। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल देखो देखो गो।